ओके तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक है एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव मार्केट कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है एंड कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड शुरुआती के कुछ पॉइंट मैं आपको कवर कर दूंगा वॉइस में, बाकी मैं एंड में आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके तो आज जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर मैंने तीन ट्रेड लिए थे, ये हिस्ट्री है उसकी 1, 2, 3 हिंदुस्तान लीवर LTTS एंड अपोलो हॉस्पिटल। ओके यहाँ पर ये रहा LTTS का एंट्री एग्जिट लगभग और ये रहा अपोलो हॉस्पिटल का एंट्री एंड एग्जिट। ओके चार्ट है यहाँ पर, एंट्री एग्जिट आपको मिल जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके एवरी डे का जो भी ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर एंट्री एग्जिट मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ, तो आप जरूर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर आज कर सकते हैं, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट एंड कल मैंने ये फॉरेक्स का चार्ट मैंने पोस्ट किया था तो मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो को शूट करने के लिए एंड मैं ज़्यादातर म्यूजिक वाली यहाँ पर शॉर्ट वाली वीडियो बना के अपलोड करता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। शॉर्ट वीडियो मेरी बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो होती है, आप वॉच करके प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। ओके तो शॉर्ट वीडियो को ज़्यादातर मैं शॉर्ट वीडियो ही अपडेट कर पाता हूँ, पॉसिबल नहीं होता है इसके लिए कि वीडियो को शूट करना। ओके क्योंकि टाइम बहुत कम होता है फ्रेंड्स। तो ये भी मैंने कल अपडेट किया था यहाँ पर ग्रुप में आप देखेंगे एंड ये तो मैंने अपडेट किया मॉर्निंग में, आज ही मैंने 22 जुलाई में आज ही मॉर्निंग को अपडेट किया था लगभग 8:30 तक, तो ये बन रहा था और ये बहुत ही पावरफुल एरिया है, बायर्स जोन था जो कि काफ़ी हेल्प हुआ। सिंपल आगे 200 पॉइंट यहाँ से मूव हुए यानी 200 पीस मूव हुआ। ओके और प्राइस यहाँ तक ये मेरा टारगेट है, तो अभी भी मैंने एंट्री एग्जिट भी ली, एंट्री भी लिया है। तो सिंपल ये क्या है, बायर्स जोन। ओके बायर्स जोन फेक ब्रेकआउट एंड हिडन डिमांड जोन एरिया है ना, हिडन क्योंकि यहाँ प्राइस देखें सूट पूरा है ना, करेक्ट बिल्कुल 90 डिग्री में स्ट्रॉन्ग बायर्स सेंटर है। प्लस ये रहा हमारा लेबल से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड सिंपल ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल है यहाँ पर टच एंड गोइंग अप। ओके तो बायर्स जोन यानी इंटर दिस लेबल, करेक्ट है। ये तरह फॉरेक्स वगैरह की बात, सेम कॉन्सेप्ट को, सेम सप्लाई एंड डिमांड को यहाँ पर अप्लाई किया, सेम सप्लाई डिमांड को आप बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में अप्लाई करें जो भी। ओके सेम जगह आपको दोनों हेल्प करेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड इस वीडियो में आपको कुछ मैं आपको बताता हूँ जैसे कि एंट्री एग्जिट का, तो सिंपल सा जो रूल्स है आपको अप्लाई करना, ये क्या है पावर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। ओके एंड ये रहा प्रीवियस डे का हाई, तो सिंपल आपको क्या करना है अभी 5 मिनट्स तो प्राइस बायर जोन। ओके तो आपका यहाँ पर सेल पोजीशन अभी भी एक्टिव है, जो सेल था यहाँ पर क्या था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है सप्लाई जोन यानी पिन बार, दिस इनगुल्फिंग कैंडल्स, इनगुल्फिंग कैंडल्स दिस इज पिन बार है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये रहा आपका एंट्री लेवल। बट आपका टारगेट अभी हिट नहीं हुआ, टारगेट आपका ये लेवल है, ये लेवल से नीचे ही प्राइस आएगा क्योंकि ये क्या, ये 61.8% फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट, तो टारगेट अभी आपका हिट नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये ऐसे फालतू में प्राइस बाउंस हुआ अपन, अभी भी प्राइस ये गिरेगा। ओके एंड ये आई थिंक गिर सकता है, इसका कोई भी कहा नहीं सकता, 61.38 पॉइंट मैं आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूँ फिर मैं आपको एंड ये रहा हाई एंड सिंपल ये रहा, मैं वो लेवल बताता हूँ कि कहाँ तक गिर सकता है, जैसे कि 50% है, 50% में से 31.8% तो प्राइस जो गिरेगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर, ये मैं तो उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं ड्रॉ किया था, जो ड्रॉ किया था वो करता, तो अभी यहाँ से अपन ड्रॉ किए हैं एंड प्राइस जो आएगा 127 तक इजीली प्राइस ड्रॉप हो सकता है ना, यानी दिस कैंडल यानी ये क्या है पिन बार का नहीं 50% लेवल, तो 50% लेवल मीन्स क्या आपका दिस पिन बार 50% लेवल या दिस एरिया यानी 127 यानी बीडी लगता है, तो प्राइस को जो आना चाहिए वो इस लेवल तक आना चाहिए यानी 34,730 तक आनी चाहिए, प्राइस को ड्रॉप होनी चाहिए, करेक्ट यानी 50% ये पिन बार यानी रिजेक्टेड कैंडल्स यानी 50% लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली आपका जो प्राइस ड्रॉप होगा, हालांकि मैं वीडियो यहाँ पर पॉज कर दूंगा, पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा,
ओके मैं सिंपल आपको ये बता देता हूँ कि प्राइस जो आएगा यहाँ तक आएगा, चाहे वो उस देर बाद ही प्राइस आए, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही प्राइस आए, बट यहाँ पर प्राइस ज़रूर आएगा। ओके मैं लास्ट का ये जो यहाँ पर प्राइस टच होगा वो वीडियो मैं इसमें शूट करके डाल दूंगा, बट उसमें मेरा वॉइस नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, वॉइस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी चला जाऊँगा, मतलब कि मुझे बाहर जाना, तो मैं बाद में वीडियो ऐड कर दूंगा। ओके ये पूरा टारगेट वाला है, तो सिंपल यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिए, 61.8% है ना ये लेवल एंड ये लेवल। ओके यानी 0% लेवल यानी 100%, मीडियम ऑफ द ट्रेंड का 50% ये लेना है। ओके 50% यानी 50% लेवल एंड ये रहा सपोर्ट। ओके सपोर्ट ये रहा सपोर्ट। ओके सपोर्ट सपोर्ट ब्रेकआउट। ओके ये रहा ड्रॉप, तो ये जो है सप्लाई हो रही है, यानी ड्रॉप 20 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर, यानी साइन स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर। एंड ये रहा अपना पिन बार, यानी क्या है इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट, इनसाइड बार मींस फॉल्स ब्रेकआउट, इनसाइड बार मींस ये कैंडल हमारी कंप्लीट इनसाइड, ये रहा फॉल्स ब्रेकआउट 61.8% यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके अब टारगेट आपका क्या होता है, टारगेट जो होगा यहाँ से प्राइस बाउंस हो रहा है तो ये कोई टारगेट नहीं है ना, टारगेट आपका 100% होगा एंड यहाँ पर ये मिडिल ऑफ द ट्रेंड यानी ये जो लेवल में ड्रॉ किया है 34,730 का टारगेट होगा। दो टारगेट आप रख सकते हैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पर, करेक्ट। एंट्री आपकी यहाँ पर होती है, एंट्री इसके अंदर क्लोजिंग के बाद स्टॉप लॉस आपका होगा 50% लेवल के अबव, कि ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल होगा। ओके तो कुछ ऐसे होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें मैं विदाउट वाइज का, मैं आपको लास्ट में आपको वीडियो में एंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल जो स्टॉप लॉस होता है वो लगभग 50 पॉइंट का होता है, टारगेट जो होगा वो लगभग 100 पॉइंट का होगा। ओके तो सिंपल ये है, एक रूल्स है, करेक्ट है दोस्तों, ये था रूल्स इसका बैंक एंड कंपटीशन, क्योंकि एक्सपायरी भी है तो प्राइस क्या होगा यहाँ पर, एक्सपायरी एक्सपायरी का वहाँ पर मैटर मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपायरी है तो प्राइस ड्रॉप होनी चाहिए है ना, और मंडे है तो प्राइस आपको जानी चाहिए, ऐसा कुछ मैं नहीं, ऐसा कुछ मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल फॉलो रूल्स है ना, प्राइस एक्शन एंड डिमांड एंड सप्लाई जो सिंपल बायर्स एंड सेलर्स है ना, डिपेंड नहीं करता कि एक्सपायरी है तो गिरेगा, इसमें ना ऐसा नहीं होता कि प्राइस अगर आज एक्सपायरी है तो भी प्राइस गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राइस क्या होता है कि कभी कभी केसेस में क्या होता है एक्सपायरी भी होती है प्राइस अप ट्रेंड भी होता है ना, तो या तो रेंज ही मत, पहले अप ट्रेंड फिर रेंज हो जाता है ना, पर यहाँ पर क्या, यहाँ से प्राइस पहले गोइंग अप गया गोइंग डाउन आया है ना, तो एग्जैक्टली प्राइस ने लो कहाँ से बनाया यहाँ तक बनाया। ओके तो ये 50% क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, यानी ये एक्सट्रीम लेवल होता है पिन मार का, तो ये आपको हेल्प करेगा आपको टारगेट निकालने में, करेक्ट। एंड ये 100% तो कॉन्फिडेंटली आपको टारगेट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले प्राइस रिवर्स होने का कोई भी चांस नहीं। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मींस इस एरिया बायर्स एरिया। ओके तो बायर्स एरिया ऐसे कॉन्फिडेंटली डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या है ये कंटिन्यूस क्या है अप ट्रेंड, सॉरी डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड तो चेंज हुआ नहीं है, डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ओके ट्रेंड कब चेंज होगा जब ये ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये हो जाएगा फिर डब्ल्यू पैटर्न, ये होगा नेक लाइन, तो यहाँ पर प्राइस हायर हाई यानी इस हाई को ब्रेक करेगा तब जाकर ट्रेंड चेंज होगा, करेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज होता है एंड ट्रेंच दिस जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। ओके प्राइस क्या है यहाँ पर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, ये रहा लो ये रहा हायर लो है ना, हायर लो, अब ये कंडीशन बन चुका है लोअर हाई एंड हायर लो कंडीशन, अब जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ब्रेकआउट होने के बाद फिर जाके आपको चार्ट पैटर्न या डिमांड जो फाइंड करना है, फिर जाके आपको कन्फर्म मिलेगा है ना। बीच में यहाँ पर आप कहीं पर भी ऐसे डायरेक्टली एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते है ना, आपको रीजन चाहिए एंट्री के लिए या रीजन चाहिए एग्जिट के लिए, करेक्ट। तो जो रीजन हमने फाइंड किया वो एक रीजन है जो लेबल में आपको बताया। ओके तो ये सारे रीजन वाले लेबल हैं। ओके दोस्तों तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, मैं एंड में डायरेक्टली शो करूँगा रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव और निगेटिव, बट मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहाँ से बायर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जाए। ओके ऐसा कोई रीजन नहीं है यहाँ पर कि जो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से बायर आना चाहिए, जब तक इस लेवल को फॉर एग्जांपल 100% को टच नहीं करेगा तब तक बायर इंटर होने का कोई भी चांस नहीं है ना, और प्लस ये भी हमारा नियर बाय है तो ये भी हमारा टारगेट मिलेगा लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, करेक्ट है दोस्तों। और भी नीचे भी जा सकती है, उसके बाद हम नहीं क्लियर कर सकते, बट इतना तो कन्फर्म हो गया। तो करंट टाइम जो हो रहा है मैं डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, 2:05 हो रहा है, तो वीडियो को मैं एंड में आपको शो करता हूँ इसका टारगेट या स्टॉप लॉस। ओके एंड फॉलो कीजिए फ्रेंड्स माय रूल, फॉलो कीजिए पावरफुल रूल सप्लाई एंड डिमांड का, सिंपल बायर्स एंड सेलर को आइडेंटिफाई कीजिए,
पावर कंडस को फाइंड समझने का कोशिश कीजिए, दो तीन चीज़ समझ आए, वीक जोन एंड स्ट्रॉन्ग जोन को फाइंड करना कोशिश कीजिए, एंड स्विच टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। स्विच टाइम फ्रेम मीन्स टाइम फ्रेम चेंज करने का मतलब कि हाई टाइम फ्रेम पे सेंटीमेंट्स समझने का, है ना, ट्रेंड चेंज करने का। ओके, ट्रेंड जब चेंज होता है उस चीज़ को समझने का, उसके बाद अब अप्लाई करने का सप्लाई डिमांड को, करेक्ट है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड। अब मैं वीडियो के यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, डायरेक्टली मैं शो करूँगा इसके रिजल्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए फ्रेंड्स। ओके, एंड बाकी अगर कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, सैटरडे संडे को जॉइनिंग स्टार्ट होती है, 10 डेज का क्लासेस चलते हैं, करेक्ट है दोस्तों। ओके, तो जस्ट वेट। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो टाइमिंग हो रहा है करेंटली वो हो रहा है 2:17, लगभग 10 मिनट में ये जो 100% वाला अपना टारगेट था वो अपन ने दे दिया। ओके, यानी आपका 100 पॉइंट आपका यहाँ पर अचीव हो गया है, और प्लस आपका ये 50% जो लेवल था यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये भी हमारा अचीव हो गया। ओके, तो सिंपल प्रिडिक्शन माय डियर फ्रेंड्स, अब इस एरिया को मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ, ये क्या है यहाँ पर रिवर्सल, है ना, रिवर्सल टू सपोर्ट लेवल, है ना, सपोर्ट एंड सपोर्ट, इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ पर टू कंडस और वन कंडस, सपोर्ट तो मिस सपोर्ट होता है। ओके, यहाँ पर टू कंडस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉडी को एनालाइज कीजिए, बॉडी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाई एंड डिमांड में कैसे कॉन्सेप्ट वीक होता है। तो यहाँ पर टू कंडर स्ट्रोक यानी वीक एरिया, है ना, तो ड्रॉप ये हुआ बेस एंड ये हुआ कंटिन्यूस ड्रॉप, है ना, तो यानी देखो पूरा ड्रॉप प्राइस यहाँ पर डिटेस्ट करने के लिए ये फॉल्स ब्रेकआउट यानी कन्फर्मेशन, यानी यहाँ पर सप्लाई जो एरिया। ओके, प्लस का डायनेमिक सपोर्ट लेवल है 61.8%, तो प्राइस क्या है डाउन ट्रेंड, तो फॉलो मार्केट डाउन ट्रेंड। ओके, तो सबसे पहले जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, सेकेंड जो टारगेट रखना है SNR लेवल, यानी इस लेवल से SNR लेवल। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको बताया था, ये 10 पे अपना वो पूरा कर दिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंडस टू कंडस है कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ, ये कुछ पार्ट है, आप इस कंडल को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो पार्ट था, जो आज वाला पार्ट था, वो कुछ इस टाइप का पार्ट था। ओके, यहाँ पर कुछ इस टाइप का कंडल हो सकता है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ है कि इस कैंडल को यहाँ पर इसलिए बनाएं क्योंकि पावर समझनी चाहिए, जोन का पावर स्ट्रेंथ जो होता है वो समझना है आपको। तो यहाँ पर इस टाइप वन में भी स्ट्रेंथ है, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फोर में वीक कैंडल है, यहाँ पर मैंने राइट डाउन भी किया, ये तो वीक लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर वीक है, ये वीक नहीं, वीक होना चाहिए। तो ओके, तो यहाँ पर वीक कंडस यानी लॉन्ग अपर साइडो एंड स्मॉल बॉडी बेस, इसका मतलब क्या है कि टू कंडस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बियर, यहाँ पर तो ये क्या हुआ वीक एरिया हो गया ना, तो ये सेलर्स एरिया क्या होगा वीक एरिया हो गया, तो ये फिर वर्क नहीं करेगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वन कंडल हो चाहे टू कंडल, यहाँ पर देखें टू कंडल हो फिर भी वर्क है ना, ये स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ पर वन कंडल तो ये भी स्ट्रॉन्ग, सेम कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई यहाँ पर करना था। यहाँ पर आप देखेंगे टू स्मॉल कंडल, यहाँ पर ये सप्लाई जो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वन कंडल एंड टू कंडल, करेक्ट, एंड प्राइस रिटर्न गोइंग डाउन। तो कम्प्लीटली आपको माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, विदाउट स्ट्रक्चर का आप कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते, और प्राइस देखें कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा है। ओके, पर डजेंट मैटर प्राइस कहाँ पर जाता है, पर जितना आप प्रिडिक्शन करते हैं उतने पे आपको वर्क करना चाहिए। ओके, तो आई होप आप फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, एंड फॉलो कीजिए रूल, तो मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, सबसे पहले रूल को समझ लीजिए, उस पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर दीजिए, है ना, ताकि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें आपके पास वो रूल वर्क करते हैं या वो कॉन्सेप्ट वर्क करता है या नहीं करता है ना। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें, है ना, ये इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस ये है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तब भी प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं ज्वाइन कर रहे फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। सिंपल आपको डे वन से स्टार्ट कीजिए, 1 दिन 15 दिन में आप इस क्लास को एंड 15 दिन सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर 15 दिन आप उसी चीज़ को रिपीट कीजिए मार्केट में। ओके, तो ऐसे आप सेल्फ स्टडी से भी आपके आप बिल्ड कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को, करेक्ट है दोस्तों। तो दोनों मेथड में आपको हर वक्त दोनों मेथड के लिए बारे में बताता हूँ, और प्लस जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, एम पैटर्न का कैसे ब्रेकआउट होना चाहिए, पावरफुल इन्फॉर्मेशन मैं बताया हूँ,
और YouTube पे बहुत ऐसे कम चीज़ें बताई जाती है, इतने डिटेल्स में आपको बताता हूँ और पूरी प्राइस को समझ के बताऊँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।